तो चलिए आज बना लेते क्रिस्पी कॉर्न चाट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली है। वीडियो के आखिरी तक बने रहना। तो पहले मैंने अच्छे से ये बीजे निकाल लिए हैं पूरे भुट्टे के, और मैंने ये देसी वाले भुट्टे लिए। अगर आपको स्वीट कॉर्न्स लेना था वो भी ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द वन एंड ओनली बहन का किचन। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है। इसको हमें थोड़ा सा बॉइल करना है, इसका जो कच्चापन है वो पूरा हट जाए, इसलिए अब इसमें डाल देते हैं नमक थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और उसके बाद में ये देखो मैंने कॉर्न्स जो निकाल के रखे हुए है ये देखो पूरे अच्छे से निकले वाले है। इसको हम इसमें पूरा डाल देंगे और चम्मच की वजह से मैं पूरा इसमें डालते जा रही हूँ। और मैं थोड़ा ज़्यादा बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने इतने सारे निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि ये ना इतने ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना, घर में सबको पसंद है। तो है ना आज थोड़ा मैंने सोचा कि ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो है ना मैं इतना सारा है ना ये मैंने पूरे कॉर्न से इसमें पूरे डाल दिए है, और ये थोड़ा सा चिपका हुआ था वो भी मैंने इसमें पूरा डाल दिया है। और उसको थोड़े टाइम है ना ढक के रख देंगे, और देखो कितने अच्छे से ना ये पूरे बॉयल हो गए हैं। तो इसको है ना मैंने एक बार में तो बॉयल मेरे हो गए हैं। अगर आप इसको बना रहे हो घर पे तो है ना, अगर आपसे एक बार में बॉयल नहीं हुए तो आप दूसरे बार में इसको है ना फिर से बॉयल होने के लिए रख सकते हो, दूसरे बार में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। मेरे हो चुके हैं, मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। और उसके बाद में अब इसको है ना ऐसे छन्नी लेके अच्छे से है ना ड्रेन कर लेते हैं इसका पूरा पानी। और देखो मैंने पूरी तरीके से अच्छे से है ना इसका पानी ड्रेन कर लिया है, इसमें एक भी पानी नहीं रहने दिया है। और अब मैंने इसको अच्छे से एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, और इसका जो जितना भी कच्चापन है ना वो पूरा अच्छे से निकल चुका है। देखो कितने अच्छे से ना पूरे बॉयल हो चुके हैं। अब है ना मैं इसमें बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। जो एकदम वो क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनता है ना वैसे ही बनाना है। तो इसके लिए आपको इसमें लगेगा कॉर्न स्टार्च, इसमें हमने डाल दिया है, और इसको हम 3 चम्मच करीब इसमें डालेंगे। आप अपने ना क्वांटिटी, आप जितना आप बना रहे हैं कॉर्न्स जितने आपके पास है उसके हिसाब से आप है ना इसमें ले सकते हैं कॉर्न स्टार्च। उसके बाद में इसमें डाल देंगे हम चावल का आटा। चावल का आटा मैंने 2 चम्मच करीब लिया है। और उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक है ना मैंने थोड़ा कम ही लिया है, क्योंकि पहले जब बॉयल किया था उस टाइम पर भी नमक डाला था इसीलिए। उसके बाद में इसमें हम डाल देंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने 1/2 चम्मच करीब लिया है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा अच्छा सा टेस्ट के लिए लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच करीब इसमें डाल दिया है। और जो मैंने थोड़ा सा बचा था 1/2 चम्मच मैंने लिया था पहले, उसके बाद में और डाल दिया है। अब इसको है ना अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेंगे, जितने भी पूरे इसमें ना हमारे जो बीजे हैं पूरे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए पूरा, है ना जितना भी हमने जितने चीज़ें इसमें पूरी डाली है पूरा अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और इसमें है ना पूरा अच्छे से उसकी कोटिंग है ना हो जाए, तब तक इसको मिक्स करते जाना है आपको। और आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि है ना कुछ ज़्यादा ही आपने डाल दिया है तो इसमें हल्का सा है ना पानी छिड़क सकते हैं, ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है। और पानी भी आपको तभी यूज़ करना है जब आपको लगे कि आपके जो कॉर्न से वो ज़्यादा सूखे सूखे से हो रहे हैं, इसमें आपने आटा ज़्यादा डाल दिया तब, तो है ना इसमें आप है ना तभी पानी यूज़ करना, वैसे पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को है ना पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है। और देखो बढ़िया से ना ये अच्छे से इसमें कोट हो चुका है, और बस इसको है ना अच्छे से हमने ना एक साइड अब रख देते हैं। पूरा अच्छे से ना ये हो चुका है मिक्स। अब है ना हमने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, इसमें हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। और ये तेल हमारा अच्छे से ना गर्म है। अब है ना एक चम्मच की मदद से ना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रही हूँ, और है ना अच्छे से इसमें डाल देंगे। और बाद में आप देखना इतना ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगा ना। और इसको है ना आपको बड़े अच्छे से ना इसको अच्छे से तल लेना है। इसको है ना मैं एक बैच अच्छे से ना कंप्लीट कर लेती हूँ, इसमें पूरा हमने डाल दिया है। और इसको है ना धीरे धीरे करके आपको है ना बस अच्छे से तलने देना है। और आप देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे करके चेंज होने लग गया है, और है ना इसको हम है ना आप थोड़े टाइम अच्छे से है ना तलने देंगे। और देखो कितना अच्छा इसका धीरे धीरे करके कलर आ चुका है। और इसको अब इस स्टेज में हम बाहर निकाल लेंगे। मैंने ना देखो कितना ज़्यादा अच्छा सा है ना इसमें कोट हुआ था ना वो, और बहुत अच्छे से ये हो गया है हमारा तल के रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी भी बना लेती हूँ, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब मैं ना इसी तरीके से ना हाथ से आपको डाल के बता देती हूँ। हाथ से ना मैंने पूरे इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद में इसको है ना ऐसे डालने से ना उसके जो आजू बाजू से जितने भी अगर चिपके वाले हैं ना वो पूरे अच्छे से ना हटते हुए इसमें पूरे डलते हैं। और देखो कितने अच्छे से ना ये भी पूरा तैयार हो गया है। और हमने इसको अभी अब बाहर निकाल लेते हैं, पूरा बहुत अच्छा से एकदम क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हुआ है ना ये। अभी तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुना नहीं पा रही हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना, आपको पता चलेगा ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने थे और इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो है ना अब मैंने ना इसी तरीके से ना सारे बैचेस निकाल लिए हैं, और उसके बाद में इसके ऊपर से है ना हम डाल देंगे जो मसाला वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने इसके ऊपर से डाला था काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद में इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, और है ना थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। तो है ना इसका अच्छे से ना पूरा मिक्स कर लेंगे, और बस इसको है ना ये वाला मसाला इसके ऊपर से
से जो डालेंगे ना वो उतना अच्छा सा इसका जो टेस्ट चेंज करेगा ना वो आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये ना इसको मैंने अच्छे से पूरा मिक्स कर लिया है और इसको एक प्लेट में अच्छे से सर्व भी कर दिया है। इसके ऊपर से हम डाल देते हैं प्याज जो मैंने अच्छे से चॉप करके रख लिए थे, और उसके बाद में इसके ऊपर से डाल देंगे हम धनिया। धनिया से टेस्ट आहा कितना अच्छा सा हो जाता है ना। और जो हमने मसाला तैयार किया था वो भी इसके ऊपर से पूरा डाल देते हैं, उससे तो टेस्ट इतना अच्छा हो जाने वाला है ना। और बस इसके ऊपर से हम नींबू डाल देते हैं इसके ऊपर से, और नींबू से जो इसका टेस्ट चेंज होगा ना मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा बन के रेडी हुआ था ना ये। आप लोग घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ऐसी चटपटी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।